एक जगह अगर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई है तो दूसरी ओर रॉयल है राजस्थान। तो ये मुकाबला होगा चेन्नई के मैदान में, कल हुआ बेंगलुरु के मैदान में हाई स्कोरिंग एनकाउंटर जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स अब फाइनली बैक ऑन ट्रैक। आरसीबी को थमा दी गई है उनकी हार, दो मैच वो जीते थे, आखिरी वो मुकाबला जीते थे, यहाँ पर पहुँचे थे ज़रूर लेकिन यहाँ पर उनको मिल गई हार। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन का आंकड़ा कुछ हुआ और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली चले सीना तान, 54 रन उन्होंने बनाया लेकिन कोई उनका और साथ नहीं दे पाया, इसलिए आरसीबी को मिल गई जीत। तब आरसीबी को मिल गई है हार। और यहाँ पर करें बात तो विकेट जो है सूर्य शर्मा के खाते में 2 विकेट, 3 सफलता वरुण चक्रवर्ती के खाते में 2, आपके एंड्रयू रसल को भी मिली, सुनील नारायण 4 में 41 उन्होंने खाया, लेकिन लेकिन पहले कर लेना चाहिए बात कि आरसीबी का गेंदबाज यूनिट क्या बेहाल नजर आया, क्योंकि देखिए सिराज ने 4 ओवर में 33 रन दिया, एक विकेट चटकाया, डेविड विली ने 3 ओवर में 31 रन दिया, वसंतु हसरंगा ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाई, तो शहबाज अहमद ने 1 ओवर में ही 25 रन खाया। 4 ओवर में विश्वकांत ने 4 ओवर में 40 रन दिया ज़रूर लेकिन 2 विकेट उन्होंने चटकाई, हर्षल पटेल के खाते में 4 में 44 ये समस्या नज़र आई। हर्षल पटेल अगर विकेट नहीं चटकाएंगे, अगर वो किफायती गेंदबाज नहीं करेंगे डेप्थ में, तो आरसीबी थोड़ा सा तंग होता नजर आएगा, क्योंकि ये चिन्ना स्वामी का मैदान में आरसीबी का इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है क्योंकि उन्होंने वो गेंदबाजी नहीं में अच्छी नहीं कर पाते हैं डेप्थ में फिनिश, तो ये एक समस्या नज़र आई। और एक शहबाज से जो ओवर करवाया वहाँ एक सवाल होगा, तो वो एक तो देखना होगा, लेकिन और आरसीबी का बल्लेबाजी में आप करूँगा कहीं पर भी आप सुनेंगे ये 3 चीज़ आप समझ लेंगे कि ये 3 बल्लेबाज के अलावा कोई नहीं है। वो 3 बल्लेबाज का नाम विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल। इसके बाद बैटिंग यूनिट जो है वो कुछ बिखरा सा नज़र आता है, अगर ये 3 को आउट कर लें तो ये आपको 10 विकेट गिराने की दरकार नहीं है, आप ये 3 को आउट कर लेंगे आप आधा मुकाबला ऑटोमेटिकली जीत जाते हैं, क्योंकि बाकी जिन्होंने बल्लेबाज ने उसके सबके रन मिला लिया जाए, ये 3 को छोड़ के उसको मिला कि फाफ डुप्लेसिस या विराट कोहली या ग्लेन मैक्सवेल के टोटल रन्स हो गए ये साल के, तो ये एक तो सवाल है, तो ये एक तो बात है। आज चेन्नई को चेन्नई में हराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये काम रॉयल राजस्थान ने कर दिया था, उनको वो फतेह को भेज दिया था, वो चेन्नई का चेपॉक को वो किला को ध्वस्त कर दिया था, वो एक मुकाबले के लिए वहाँ पर थोड़ी सी गैप होल्स में निकाल दिया था, लेकिन अब राजस्थान अपने होम ग्राउंड में खेलेगा जयपुर का होम ग्राउंड में, तो अब चेन्नई की टोली पहुंच जाएगी राजस्थान, वो जो पिंक का शेड है वो मैदान में कितना नज़र आएगा वो तो उसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, क्योंकि जब धोनी हो सामने तो उनके नाम के शोर होंगे, नारे होंगे, लेकिन क्या हो सकती है इसमें प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स की, तो जान लेते हैं। जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पारीकल, संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, ड्यूक ज्वेल, आर अश्विन, संदीप शर्मा, एडम जाम्पा, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। और अगर आप देखेंगे तो टैक्टिकल्स में आप देख सकेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे, ये 2 बैट्समैन CSK के बहुत अच्छे करते नजर आते हैं, ट्रेंट बोल्ट उनका विकेट चटका सकते हैं, युजवेंद्र चहल भी अच्छा काम किया है। और चेन्नई का अगर प्लेइंग 11 देख लें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा आपको नजर आएंगे, आपको वहाँ पर MS धोनी, तुषार देशपांडे, मनीष तृष्णा, मुकेश प्रतिसंका और आकाश सिंह आपको नजर आएंगे। आकाश सिंह को एक बहुत अच्छे स्पिन बॉलर और ओपनिंग गेंदबाज की तरफ उनको धोनी ने बना दिया है, उनको तैयार कर दिया है, और बेंच तो कभी भी उपलब्ध नहीं है, और CSK और अगर विनिंग स्ट्रीम में हो तो वो जल्दी से बदलाव करती नहीं, तो यही हम लोग को देखने मिलेगा जैसा मुझे लगता है। ये यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो राजस्थान ने उनका लगभग 200 का स्ट्राइक रेट रहता है लगभग ये सीज़न में है अभी उनका, और राजस्थान रॉयल का जो होम रिकॉर्ड है वो वहाँ पर 48 मैचेस में से 32 उन्होंने जीता है, उनके तरफ में पल्ला जरूर मुड़ा है, लेकिन जब धोनी के होम ग्राउंड में खेले थे चेन्नई में तो वहाँ पर भी धोनी का पल्ला भारी था, लेकिन जीत मिली थी राजस्थान को। यहाँ पर क्या अब चेन्नई की टोली क्या जाके राजस्थान को ध्वस्त कर सकती है, क्या उनके किले में ध्वस्त कर सकती है, ये एक सवाल रहेगा। तो ये तो सवाल है यहाँ पर,
ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।